सोमवार के व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। दिन और रात में से केवल एक समय भोजन करें। इस व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत तीन प्रकार के हैं। पहला साधारण प्रति सोमवार, दूसरा सौम्य प्रदोष और तीसरा 16 सोमवार। तीनों की विधि एक जैसी होती है। भगवान शिव के पूजन और आरती के बाद में कथा को सुनना चाहिए। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार से है कि एक नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती मैया ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती मैया नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत तरीके से करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई और पुत्र के होने का समारोह व्यापारी और उसकी पत्नी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। परंतु व्यापारी के मन में पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका पुत्र अल्पायु है और इस रहस्य के बारे में उस समय व्यापारी ने घर में और किसी को नहीं बताया था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता
अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। उस लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका राजकुमारी के साथ में विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया, परंतु जब लड़का वापस लौट रहा था तो वो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और सारथी को ये कहा कि उसको वापस महल में लेकर चलो। महल में पहुंचकर राजकुमारी ने राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और उसने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। इसके बाद रात होते ही वो लड़का अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती माता ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ में अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भगवान शिव माता पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। अपनी शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। पास से ही गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा और यज्ञ में उस लड़के को देखा तो राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा। नगर में पहुंचते ही उन्होंने एक दूत को घर में भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी।
अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और वो पहले से ही अपनी धर्मपत्नी को ये बता चुका था कि हमारे पुत्र की आयु वरदान स्वरूप केवल 16 वर्ष की है, मगर फिर भी उनको एक आस थी कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते हैं। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अगली ही सुबह जब व्यापारी उठा तो रात के स्वप्न की बात को याद करके व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कोई भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसी भी नई कहानी या कथा से आप वंचित ना रहें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ में आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हर हर महादेव।